Is that okay with you? Which application is this? Sir, the name is Gaming 6969. तो इट इज़ डे 8 ऑफ माई डेली व्लॉगिंग सीरीज़। और मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था तब सुबह 9 बजे शुरू किया था और उसी दिन एडिटिंग करके अपलोड भी कर दिया था। सेकेंड डे क्या हुआ था, उसी दिन व्लॉग शूट किया, थोड़ा सा एडिटिंग मैंने अगले दिन के लिए रखा था। थर्ड डे हाफ ऑफ हो चुका था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, तो मेरा एडिटिंग का जो पार्ट है वो अगले दिन हो रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है अभी दो दिन के बाद तो मेरा शूटिंग भी अगले दिन ही होगा, क्योंकि आज का जो मेरा व्लॉग जो अपलोड होने वाला है वो अभी एक घंटे मेरे को अपलोड करना है, बट अभी तक वो रेंडर ही हो रहा है। तो पता नहीं अगले दो दिन कैसे जाने वाला है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, डेली व्लॉग्स इज नॉट ईजी एट ऑल। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज भी एकदम अच्छी वाली धूप निकली है रोज़ की तरह, एंड ट्रस्ट मी, आई फील सो गुड अबाउट इट कि जब से मैं बाहर निकलना चालू किया हूँ पिछले 4-5 दिनों से, तभी धूप है ना निकल रही है अच्छी खासी, और बारिश थोड़ा सा बंद हो गया अभी, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बट आज अपन कहीं पे भी बाहर नहीं जाएंगे, आज अपन घर पर ही पूरा व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैं बाहर जा रहा हूँ ना, तो उसके चक्कर में मेरा दूसरा जितना भी काम है वो सब अटक गया है। सो नाउ द टास्क नंबर 1 फॉर द डे इज टू रजिस्टर फॉर IFP। नाउ IFP इज बेसिकली द इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट, बहुत लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, अगर जिसको नहीं पता आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि जब वो इवेंट होगा तो मैं उसका BTS वगैरह सब कुछ बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को उसको रजिस्टर करना है, सेकंड मेरे को उसकी प्रिपरेशंस वगैरह सब करनी है, एंड सिर्फ 2-3 दिन बचे अभी जाने के लिए और कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे करने वाले क्या करने वाले, तो उसको पहले मेरे को आउट करना है। टास्क नंबर 2 इज मेरा जो क्लाइंट का काम है, पिछले एक हफ्ते से ऐसा ही पड़ा हुआ है, मेरे को कॉल्स पे कॉल्स आ रहा है, भाई काम दे मेरे को, मेरा काम दे, बट मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूं, तो अभी आज वो भी मैं कंप्लीट करूंगा। एंड टास्क नंबर 3 इज टू प्रैंक कॉल मिथिलेश, क्योंकि उसका 4 मिलियन अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले उसका क्रॉस हुआ, सो आई थॉट कि ऐसे ही कॉल करके विश नहीं करेंगे, थोड़ा अपन कीड़ा कांडी करके उसको कॉल करेंगे और उसको बोलेंगे कुछ प्रैंक कॉल वगैरह करेंगे, होपफुली ही पिक्स अप हिज कॉल। तो अभी मेरे साथ एक बहुत अच्छा वाला जोक हो गया और एक्चुअली मेरी फट गई। तो आई वाज जस्ट व्लॉगिंग नॉर्मली और अचानक से हवा आई, एकदम जोर से हवा आई, और ये जो कवर रखा है आई डोंट नो किसने रखा है, इधर क्या रखा है, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे मेरे को अचानक से ऐसा लगा कि कुछ उड़ा, एंड मेरी जो फट गई ना, तो अपन एक बार चेक कर लेते कि भाई इसके नीचे कोई इंसान वगैरह सोया वगैरह तो नहीं, अगर कुछ होगा तो तो जो भी 90s के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा मैं अभी क्या कर रहा था। जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, ये चीज तो मतलब इतना ज्यादा करता था मैं, पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आता था। मेरा ये वाला जो बैट है ना बहुत फेमस था इन द 2005, जेमिनी विलो का था, ऑल्दो आई वांटेड इंग्लिश विलो। तो अभी मेरे घर पे थोड़ा दिवाली का साफ सफाई चल रहा था, सो आई थॉट लेट्स प्ले थोड़ा सा और देखते कि अपने अंदर अभी भी वो टैलेंट है कि नहीं, एंड क्लियरली मेरे में बिल्कुल टैलेंट नहीं है वो। तो अभी जस्ट मैंने IFP की बात की और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि रजिस्ट्रेशन इज क्लोजिंग ऑन 24th September। तो मेरे को लग रहा है ना ये पोस्ट मेरे लिए ही है, तो सबसे पहले अभी रजिस्टर करते हैं टास्क नंबर 1। नंबर 1 का जो सेकंड सब पॉइंट है दैट इज कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि जब कभी तुम एक फिल्म बनाओ ना कॉस्ट्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट है थोड़ा मैं संभाल रहा हूं, सो नाउ आई विल पिक अप द बेस्ट ऑफ माय कॉस्ट्यूम्स। अपने पहले टास्क का जो फाइनल टास्क है दैट इज इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक फिल्म शूट करते टाइम के, अगर इक्विपमेंट्स ना होना तो भी फिल्म शूट हो सकती है, लेकिन अगर हो लेना तो मतलब अलग लेवल की हो जाती है। तो मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना, कैमरास के, व्लॉगिंग के सब कुछ यूज करूंगा मैं इस फिल्म के लिए। तो ये वाला वाइड एंगल लेंस तो फॉर श्योर होने वाला है, BTS और फिल्म दोनों में मैं यूज करूंगा। सेकेंड इज गोइंग टू बी दिस माइक, क्योंकि अगर हमें एकदम क्रिस्प क्लियर ऑडियो चाहिए तो ये हम यूज करेंगे, या फिर इसको डबिंग के लिए यूज करेंगे। थर्ड इज गोइंग टू बी दिस रिंग लाइट, क्योंकि यार थोड़ा बहुत लाइटिंग भी अच्छा चाहिए ना अपने को, तो रिंग लाइट भी लेंगे। एंड लास्टली ये अपना ट्राइपॉड, इसको तो भाई लेके जाना ही पड़ेगा कि स्टिल शॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जिन लोगों को भी नहीं पता है दैट व्हाट काइंड ऑफ फ्रीलांस वर्क डू आई डू, सो बेसिकली आई एम अ फ्रीलांस एडिटर और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ फॉर कंपनीज. बस उतना. क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. Now the third and the final task of the day is to call Mithilesh, actually prank call Mithilesh and tell him कि मैं gaming studio से बात कर रहा हूँ और हमारे पास तुम्हारे लिए एक offer है, तो do you want that offer or not? तो सबसे पहले तो उसको call करते हैं अपन. I hope he picks up, क्योंकि most of the time वो call नहीं उठाता है because he's busy editing or shooting or doing something. तो मैं अभी देखता हूँ call उठाता है कि नहीं वो. हेलो. हेलो 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 हेलो. एम आई स्पीकिंग टू मिथिलेश पटांकर? या हाय. फर्स्टली आई जस्ट सॉ योर चैनल, यू क्रॉस्ड 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स. या सेकेंडली आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ गेमिंग एप्लीकेशन वी हैव जस्ट लॉन्च्ड, सो वी वुड लाइक टू प्रमोट आवर एप्लीकेशन ऑन योर चैनल. Is that okay with you? Which application is this? Sir, the name is Gaming 6969. Kuch bhi? Sir, it's a very new application. Sir, before that, I wanted to ask you that how do you feel to collab with us after crossing 4 million? It feels good. It feels good. Thank you. Thank you so much, sir. Would you like to collab with us? Sir, we are actually a very reputed company, so we do not talk to the managers, we directly talk to the owner. To directly talk to the owner? Abhe sale. Okay, acha. I don't really like the name, 6969. Okay, so what's the name, by the way? Sir, that's not important actually, the name of the application is important. Can you send me my number once, please, like my phone number? I know, sir. You are trying to fool me. Then you'll see the number and you'll try to see who am I. The first 2 digits of my number. Sir, I cannot do that, sir. That's against our security policies. अभी तक नहीं पहचाना क्या? अबे यार, ये अभी तक नहीं पहचाना मेरे को यार. थोड़ा थोड़ा गैस कर यार, गैस कर थोड़ा सा. कौन ऐसे बात करता है, ये तो बहुत जाना पहचाना लगा. एक मिनट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि नंबर क्या मेरा? तेरा नंबर अभी मैं क्या ही बताऊँ यार, अब नंबर कौन पूछता है. थोड़ा है, थोड़ा सा गैस कर यार. मैंने अभी रिसेंटली तेरा ड्रोन तोड़ दिया था. आ ब्रो, याद आया कि नहीं? नहीं नहीं ये मैं मिमिक्री मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ. तू अकेला थोड़ी मिमिक्री कर सकता है. अभी अपन तुझे बोला क्या ही बताऊँ, तभी मेरे को समझा कि नहीं एक्चुअली तेको याद है, मैं तेको एक बार बोला था मैं तेरे को प्रैंक कॉल करेगा और तू बोला था, अब तो तूने मेरे को बता दिया अब कैसे करेगा. तो ये उसी का है, कैमरा चालू है अभी. तो मिथिलेश इज ऑफिशियली प्रैंक्ड ऑन फुटप्रिंट्स. कॉन्ग्रेचुलेट करना था, तो आई थॉट कि डायरेक्ट कॉल नहीं करते, थोड़ा अपन कीड़ा कांडी करते, प्रैंक कॉल वगैरह करके देखते कि पहचानता है कि नहीं. अरे गाइस सब्सक्राइब करो, इसको सब्सक्राइब करो और मेरे व्लॉग्स भी देखो. सिल्वर प्ले बटन, चांदी का भाव बढ़ रहा है, इसके पास सिल्वर प्ले बटन नहीं आ रहा. Exactly, सब्सक्राइब करो. तुम लोग सोचो इसको 2 साल के बाद 100 के पहुंचेगा तो चांदी का भाव क्या होगा, यूट्यूब देगा क्या, समझता नहीं. सोचो सोचो. चल एनीवेज, कांग्रेचुलेशन फॉर 4 मिलियन. अभी नेक्स्ट गोल अपना 10 मिलियन है और तेरा डायमंड प्ले बटन का अनबॉक्सिंग मैं ही करूंगा. यस यस पक्का पक्का. शॉट ले. चल डन 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 डन. ठीक है ब्रो, चल बाय बाय बाय. सो बेसिकली आई हैव 2 डंबल्स टू वर्कआउट विद और ये दोनों डंबल 4 किलो के हैं, लेकिन मैं 1 महीने से इनको रेगुलरली ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा हो गया ना कि मेरे को बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है ये 4 kg. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक ही डंबल के अंदर है ना मैं पूरा 8 kg लगा दूंगा और उसके साथ ही मैं एक एक करके मतलब मारूंगा, पहले ये वाला आर्म फिर ये वाला आर्म, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं.
सो जस्ट गॉट डन विद द वर्कआउट एंड इंडीड अ क्रेजी क्रेजी वर्कआउट, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। अच्छा सा कार्डियो किया, वेट लिफ्टिंग भी किया, और अभी अपना जो रोज़ का प्रथा रहता है, रिचुअल रहता है, वो चार्ट को फिलअप करने का, वो करते हैं। तो 10 डेज व्लॉग में अपना जो 8th डे था वॉज प्रैंक कॉल्ड मिथपैट, और अपना 10 डेज हिट वर्कआउट में 8th डे पे अपन ने किया कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। 2 more days to go. So if you enjoyed this vlog, do not forget to turn the like button, share, subscribe. आपको जो करना आप कर सकते हो। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज कल। तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया। थक गया रे बाबा बहुत।